जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर आज एक बार फिर स्पाइसजेट की फ्लाइट ने यात्रियों को धोखा दे दिया है। चेन्नई से जबलपुर आकर मुंबई जाने वाली फ्लाइट रनवे पर ही खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके चलते विमान उड़ान नहीं भर पा रहा था। विमान की उड़ान न भरने के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट में बैठाया गया है। सुबह 8 बजे जब चेन्नई से जबलपुर फ्लाइट आई, तब पायलट ने फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी महसूस की। विमान को कुछ देर बाद मुंबई की उड़ान भरनी थी, पर पायलट ने फैसला लिया कि विमान सुधारने के बाद ही उड़ाया जाएगा, जिसके लिए यात्रियों को दोबारा एयरपोर्ट पर बैठाया गया। जानकारी के मुताबिक चेन्नई से जबलपुर आए स्पाइसजेट प्लेन को मुंबई के लिए उड़ान भरना था, लेकिन विमान में आई खराबी की वजह से तय समय पर विमान उड़ान नहीं भर पाया। आपको बता दें कि इस बीच यात्रियों को सुबह से ही एयरपोर्ट में रोका गया है। कई यात्री विमानतल में सुविधा पर्याप्त न होने से भी नाराज हैं। इस संबंध में स्पाइसजेट के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, पर उनसे बात नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक विमान में खराबी आने के बाद बेंगलुरु से विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया, जो दोपहर में पहुंचकर विमान सुधार करने का काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी स्पाइसजेट रनवे पर खड़ा हुआ है, जिसे ठीक करने का इंजीनियर की टीम प्रयास कर रही है। इससे पहले भी स्पाइसजेट की फ्लाइट ने यात्रियों को काफी परेशान किया है। बीते दिनों दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ान भरने वाली विमान में धुआं फैल गया था, जिसके चलते 5000 की ऊंचाई से दोबारा विमान को दिल्ली एयरपोर्ट में उतारना पड़ा। उस वक्त भी यात्री दहशत में अपने आप को महसूस कर रहे थे। कुछ यात्रियों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नागर उड्डयन मंत्रालय से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायत भी की थी।